आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से ठीक हैं, खुश हैं, आबाद हैं। तो व्यूवर्स, ये मेरा आज का व्लॉग है। आज मैंने बनाया है गोभी का सालन और साथ साथ मैंने बनाया है चिकन कौरमा और साथ ही मैंने बनाया है आलू। तो सबसे पहले मैंने प्याज को, काफ़ी सारी प्याज काटी, उसके बाद मैंने उसमें से कोरमे के लिए प्याज को ब्राउन किया। ये आप प्याली में देख सकते हैं, इसको मैंने प्याज ब्राउन करके दही के साथ ग्राइंड किया और उसको एक प्याली में निकाल दिया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर बना रही हूँ कोरमे का सालन। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ग्राइंड किया, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला जो कि 2 चम्मच था। जैसे ही थोड़ा सा मैंने इसको भूना, उसके फ़ौरन बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया। चिकन मेरे पास है 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने इसको फ्राई किया है। तो प्यारे प्यारे व्यूअर, सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के जाके बटन को क्लिक करना है ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। तो इधर मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ, साथ साथ मैंने जाना है अपने लेते रहेंगे। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए खाने बना के फ्रीज करके जरूर जाऊँगी, तो वो मेरे पीछे फिर आराम से खाने निकालेंगे, रोटी बाजार से ले आएंगे और वो अपना खाना खा लेंगे। तो मैंने इसके अंदर प्याज ग्राइंड की थी, जो आप ये देख रहे होंगे कि इसके ऊपर दाना जो आया हुआ है वाइट कलर का। असल में मैंने ये किया है, घी के अंदर इसको प्याज को ब्राउन किया था। जब मैंने इसको दही डाल के ग्राइंड किया तो ये घी इसका जो जम सा जाता है ना, तो ये दाने उसके हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मैंने इसमें डाला लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया, 1 तेज़पात लेके मैंने वो भी डाला है इसके अंदर, तो उसको मैंने तोड़ के डाला था। और दूसरा, फिर जब मैंने इसको मसाले डाल के भुनाई की है इसकी, तो इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कोरमा मसाला भी डाला। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कोरमे के अंदर टमाटर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जस्ट दही यूज़ करती हूँ। तो मैंने अब भी इसमें दही डाली है, तो मैंने लेकिन थोड़ा सा चखा था, मुझे ज़रा खटास थोड़ी सी कम लगी थी, फिर मैंने थोड़ा सा दही इसमें और डाला था। तो अब मैंने इसको स्विच कर दिया है दूसरे चूल्हे पर। अभी इसका पानी खुश्क हो रहा है, चिकन थोड़ा सा गलता है, फिर मैं चूल्हा इसका बंद कर दूँगी। मैं आ रही हूँ साथ वाले चूल्हे पर, मैंने यहाँ पर साथ ही शुरू कर दिया था गोभी का सालन। मैंने सबसे पहले प्याज को किया है फ्राई और साथ साथ जब मेरा चिकन हो गया कोरमे का डन, तो मैंने फिर उस टीवी के अंदर आलू अंडों का सालन बना लिया, क्योंकि मैंने प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन कर ली थी, काफ़ी सारी ग्राइंड कर ली थी। तो मैंने हाफ यूज़ किया कोरमे के अंदर और हाफ में यूज़ कर रही हूँ आलू अंडों के सालन में। तो इधर मैंने गोभी गोश्त में सबसे पहले प्याज को जब मैंने हल्का सा फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन डाला और अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, क्योंकि गोभी मेरे पास छोड़ी है तो मैंने बहुत ज़्यादा लहसुन अदरक नहीं डाला है। और मैं जब गोभी बना लूँगी तो इसके अंदर से मैं बारीक बारीक काट के अदरक यूज़ करूँगी, साथ ही मैंने इसके अंदर डाले हैं टमाटर और हरी मिर्ची और मैंने इसको छोड़ दिया है। तो ये उसके बाद ये मसाले आप देख सकते हैं, ये मैंने इसके अंदर डाले हैं, वही मसाले डाले हैं, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। उसके बाद मैंने इसको रख दिया है भुनने के लिए। जब ये भुन चुका तो फिर मैंने इसके अंदर गोभी और 1 आलू मैंने बारीक बारीक काट के डाले। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं दूसरे चूल्हे पे क्या कर रही हूँ। दूसरे चूल्हे पर मैं कर रही हूँ आलू अंडों के सालन की तैयारी। तो जो मैं प्याज आपको बता रही थी कि प्याज मेरे पास है, वो मैंने इसमें डालकर फ्राई कर मसाला सब भून के इसके अंदर आलू डाल दिए हैं और मैंने इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं डाला। तो साथ साथ मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैं काम करते करते थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो सालन मेरा तकरीबन रेडी है, इसमें घी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ अदरक और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1 से 2 हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई। तो आप इसकी शक्ल से देख सकते हैं कि ये कितने मज़े का है। अच्छा, मैं जब भी गोभी बनाती हूँ मैं थोड़ा सा पालक ज़रूर ऐड करती हूँ, तो आज मेरे पास पालक नहीं था तो फिर मैंने पालक ऐड नहीं किया। तो